नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लॉयड की एसी है और इसमें रिमाइंडर आ रहा है E6। तो ये एसी चल रही थी और चलते चलते इसमें E6 का रिमाइंडर आने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट थोड़ी सी गड़बड़ है, ये E है और ये 6, और इसमें E6 का रिमाइंडर आने लगा। तो E6 का रिमाइंडर क्या होता है तो वो दोस्तों आपको बता दें, इंडोर और आउटडोर यूनिट में कम्युनिकेशन में जब फॉल्ट हो जाता है तो E6 का रिमाइंडर आता है। तो दोस्तों E6 का रिमाइंडर किस तरह से सही होगा, तो उसके लिए आपको इसमें जो PCB लगी हुई है इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में, दोनों में चेक करना पड़ेगा प्रॉपर कहाँ से जो है कम्युनिकेशन में फॉल्ट आ गया है। हो सकता है सेंसर फॉल्ट आ गया हो, इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में, या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई डायोड खराब हो गया हो, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन फॉल्ट हो सकता है। तो इसको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। किस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं या फिर आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन जो आएगा वो किस तरह से इसको सही करेगा, तो चलिए अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये होती है इंडोर यूनिट की PCB, इसमें लगी हुई है। इसको बाहर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या फॉल्ट इसमें आई है। हो सकता है कोई हल्की फुल्की फॉल्ट हो या फिर ज्यादा फॉल्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस इसको जो है बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने PCB को बाहर निकाला और जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंटों को एक बार हिला के थोड़ा सा पुश किया है। हो सकता है कोई कनेक्शन यहाँ पे ढीला रहा हो, इसकी वजह से भी इस तरह की समस्या आ सकती है, या फिर इसमें जो डायोड लगे होते हैं वो डायोड अगर कोई खराब हो गया है तो इसकी वजह से भी समस्या आ सकती है। E6 का जब रिमाइंडर आता है तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से आपका इंडोर यूनिट तो चलता रहता है लेकिन उसमें ठंडी हवा नहीं आती है, गर्म हवा आने लगती है। तो इसको जो है ऑन करके देखते हैं, अगर ऑन करने पे ठंडी हवा आने लगी तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे गाइस जो है हमने इसको ऑन कर लिया है, तो अभी आपको दिखाते हैं क्या दिखा रहा है ऊपर। तो ये गाइस आप देख सकते हैं ऊपर आपको 24 डिग्री पे AC ऑन हो चुकी है, और जो है कुछ देर चला के देखते हैं, अगर कूलिंग आने लगती है तो इसका मतलब ये है कि फॉल्ट ये सही हो चुका है। अगर फॉल्ट सही नहीं होगा तो जो ठंडी हवा नहीं आएगी। तो दोस्तों इसमें अगर कोई कनेक्शन लूज रहा होगा तो वो जो है हमने सारे कनेक्शन चेक कर लिए हैं, वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डायोड जो है जला हुआ खराब नहीं दिख रहा है। मल्टीमीटर से अभी हमने इसको चेक नहीं किया है, तो ये जो है अभी इंडोर यूनिट की PCB चेक किया है और कुछ देर चलने के बाद आप देख सकते हैं E6 का रिमाइंडर फिर से दिखाने लगा है। तो इसका मतलब जो है फॉल्ट सही नहीं हुई है। मल्टीमीटर से अभी इसको हमने चेक नहीं किया है, उससे पहले आउटडोर यूनिट की PCB को देख लेते हैं, उसमें कोई फॉल्ट देखने से पता चलती है या नहीं चलती है। अगर देखने से कोई फॉल्ट पता चलती है तो हम मल्टीमीटर से नहीं चेक करेंगे। तो ये गाइस आप देख सकते हैं जहाँ पे कनेक्शन होते हैं आउटडोर यूनिट में वहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन है इसमें। तो चलिए ऊपर का पैनल इसका ओपन करते हैं। आउटडोर यूनिट का ऊपर का पैनल जो होता है उसको ओपन कर लिया है, जहाँ पे इसकी PCB लगी होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे PCB होती है, इसको ओपन कर लेना है आपको, और ओपन करके देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं दिख रही है। अगर कोई फॉल्ट इसमें नहीं दिखती है तो प्रॉपर आपको इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की दोनों की PCB आपको चेक करनी होगी। तो यहाँ पे गाइस जो है आप देख सकते हैं एक जगह पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे साइड में ये जला हुआ आपको दिख रहा है, तो ये कोई डायवर्ट भी हो सकता है। तो इसको जो है देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज इसमें खराब हुई है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी ये AC जो है हमारी वारंटी में है, तो अगर हल्की फुल्की फॉल्ट होगी तो जो है अपने हाथ से रिपेयर हो जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ी फॉल्ट इसमें दिखती है तो इसको जो है हम रिपेयर नहीं करेंगे और कंपनी से रिपेयर करवाएंगे, क्योंकि ये वारंटी में है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जला हुआ जो था वो हमने आपको दिखाया। तो आपको दिखाते हैं नीचे साइड में इसमें क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है जो जल गया है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइड में ये लगा हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं।
और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी एसी वारंटी में है तो आप जो है मैकेनिक से रिपेयर ना करवाएं, कंपनी से कॉल करके वहां पे कंप्लेन करें और वारंटी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है और यही जो है जल चुका है। तो ये जो है, तो फिलहाल दोस्तों इसको अभी हम रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये एसी वारंटी में है, तो कंपनी को कॉल करेंगे और कंपनी से ये पूरी पीसीबी चेंज हो जाएगी या प्रोसेस रहेगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।